एक चीज प्यार से भी बड़ी होती है, जिसे हम जिगरी यार कहते हैं। हमेशा याद रहेगा ये जाता हुआ साल, इस साल में किसी के लिए रोए बहुत है। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, मैं बता दूं। हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है, जो तो अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, बॉडी पे काम करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब होता है अ साउंड माइंड एंड अ पावरफुल बॉडी। वीक माइंड्स इजिली एक्सेप्ट व्हाट द अदर्स से, इजिली कमजोर दिमाग को तुम कुछ भी समझा सकते हो। जब भी जरूरत पड़े याद कर लेना यार, साल बदलेगा तेरा यार नहीं। एक बार बता दिया होता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, कसम खुदा की तुम्हें मुड़ के नहीं देखता। मुझे तो वो नौजवान पसंद है जो जिम करते हैं, लेकिन वो आधे अधूरे हैं। जिम में जाओगे तो जिस्म बनेगा, अगर मस्जिद में नहीं आओगे तो फिर वो बना हुआ जिस्म कब्रों के कीड़ों के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन हमें आपसे प्यार इसलिए कि आप महबूब की उम्मती हो। जिस्म बनाने का भी मशवरा देते हैं, लेकिन बचाने का भी मशवरा देते हैं। जिम में जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो जिस्म कब्र के कीड़ों से बच जाएगा। नहीं है, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते बाढ़ में जाओ, तुमसे मेरा घर नहीं चल रहा। यह आलस और यह हवस हर दिन तुम्हें घुन की तरह खोखला कर रहा है, और समय तुम्हारे सीने से लगाने वालों की कब्र खोदने में लगा पड़ा है। और तुमने अभी संघर्ष शुरू नहीं किया ना दोस्तों, पूरी जिंदगी भर तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। तब तक तुम्हें सीने से लगाने वाले तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएंगे। जो सांझ ख्वाब देखते थे ना। गिर गिर के संभलते हुए मुश्किल से उठे हैं, हम ही को खबर यह है कि किस दिल से उठे हैं। बस एक खुशी ढूंढने को बैठे थे, लेकिन 100 दर्द लिए हम तेरी महफिल से उठे हैं। ये साल कई सवालों के जवाब दे गया, खुद को प्यार करने की कई वजह दे गया। दोस्तों, अब यहाँ के करता धरता हम हैं। चलो खत्म करते हैं अब ये दिखावे का रिश्ता। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और लोग कहते हैं प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। भैया जिम का नाम सुना है?